हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप हमारा प्लानिंग देख चुके हैं, तो प्लानिंग के अलावे अब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि प्लानिंग में मैं फिजिक्स का नहीं दिया था और प्लानिंग 10 अक्टूबर से है, तो मैं आपको ये भी बता दिया था कि प्लानिंग स्टार्ट होने से पहले फिजिक्स का जो चार चैप्टर बचा हुआ है हम खत्म कर लेंगे। चार चैप्टर है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है मैग्नेटिज्म, उसके बाद है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, पांच चैप्टर है एक्चुअली, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये पांच चैप्टर हम पहले ही खत्म कर लेंगे, या नहीं भी खत्म होगा दो चैप्टर तो आज और कल में खत्म ही कर लेंगे, क्योंकि दो चैप्टर का मैं पीपीटी में नोट्स बना चुका हूँ। क्लियर है? थोड़ा आपको पता है नोट्स बनाना थोड़ा हेक्टिक होता है शेड्यूल, क्लियर? क्योंकि थोड़ा आपको ही पता है टाइप करना या पिक वगैरह डालना कितना हेक्टिक होता है, मतलब थोड़ा शेड्यूल होता है, मतलब टाइम लगता है। क्लियर? तो लुसेंट फिजिक्स का पांच चैप्टर बचा, वो हमें डिस्कस करना है, और आपको आपको पता है प्लानिंग आप देख चुके हैं, तो चलिए लुसेंट फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करते हैं इसमें। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम देखेंगे बहुत कुछ, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसका चार्ज, उसके बाद इंसुलेटर और कंडक्टर वगैरह के बारे में, कोलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, सब कुछ, कैपेसिटी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, प्राइमरी सेकेंडरी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो एक चीज और मैं बता दूं कि आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वैसे जोन NCERT 5571, उसका NCERT 557-5571 उसका लिंक है मेरा, और आप मुझे कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 10 से जो प्लानिंग है वो मैं एक बारी और आपको दिखा दे रहा हूँ। प्लानिंग बहुत अच्छा प्लानिंग है, एक बारी ये प्लानिंग है जिसमें बायोलॉजी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, बिहार स्पेशल है, एनसीईआरटी का समरी का एक वीडियो में डाल चुका हूँ, ताकि मैं आपसे उस पर एडवाइस ले सकूँ कि क्या अच्छा है। करेंट अफेयर्स का भी अभी तो किसी टाइम आ जाता है, लेकिन आता है डेली 3 दिन से, और करेंट अफेयर्स का फिर 9 बजे आएगा, और एमसीक्यू आएगा एनसीईआरटी बुक पे बेसिस, और लुसेंट का एमसीक्यू। लेकिन ये सारा करने के लिए आपको भी हेल्प करना पड़ेगा, आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जितना कर सकते हो मिनिमम कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस नंबर पे 0624 85, ताकि कुछ चीज़ों का मैं, देखो जो भी पैसा कंट्रीब्यूशन में आएगा उसका मैं पर्सनल यूज करने के लिए नहीं लूंगा, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए मैं वैसे ही जनरेट कर लेता हूँ। क्लियर? और आपको ये पता है यूट्यूब में इतने कम सब्सक्राइबर से पैसे नहीं आते हैं, मतलब उतने नहीं आते हैं। क्लियर है ना? तो आपको, ताकि आप अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो हम आउटसोर्स करेंगे आप ही के लिए। आउटसोर्स इन द सेंस क्या आउटसोर्स, मैं पीपीटी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों से बनवा सकता हूँ, बस कराऊंगा तो मैं खुद ही। तो चलिए सिंपल शुरू करते हैं। चलिए, जब भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाम से ही पता चलता है कि बेसिक स्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एक जगह लोकेटेड होता है, लेकिन करंट में क्या होता है, फ्लो करता रहता है चार्ज, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता रहता है। तो ये सब आपको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी का बात ही आया, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक चार्ज का वर्ड आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए सबसे पहले वो चार्ज का समझना हमारे जरूरी है, बिना चार्ज का तो इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं। क्लियर है ना? तो अब हमें समझ में आने लगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे, उससे पहले हमें चार्ज नामक जो प्राणी है उसे पता होना चाहिए। तो हम एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस को हम आपस में रब करते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब रब करते हैं ना, तो कभी कभी घिसने के बाद क्या होता है, वो सब्सटेंस छोटे छोटे चीजों को अपने तरफ खींचने लगता है। जैसे आप काफी, अगर आयरन को भी थोड़ा रब कर दे, आयरन के टुकड़े को, तो आप देखिएगा कि वो छोटे छोटे पेपर को अपनी तरफ खींचने लगेगा, यानी भाई उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी आ गई। वो प्रॉपर्टी दो टाइप की हो सकती है, या तो वो चार्ज को देखो, या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों में से एक चार्ज तो आ सकता है ना। पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या हुआ, या तो वो तो या तो एक्वायर कर लिया, क्लियर, या तो चार्ज एक्वायर कर लिया या चार्ज लूज किया, दोनों में से एक ही हो सकता है ना। तो जब चार्ज एक्वायर कर लेगा या चार्ज लूज कर देगा, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी आने के चांसेस हो जाएगा। जरूरी नहीं है किसी सब्सटेंस में चार्जेज आ गए,
यानी हम आयरन को थोड़ा घिसते हैं, चार्जेज आ गए। तो जरूरी नहीं है सारे जिससे थोड़ा बहुत चार्जेज आ गए उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही सकती है, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि सब्सटेंस को अगर रब्ड करते हैं, बार बार घिसते हैं, तो उसमें कोई प्रॉपर्टी आ जाती है। प्रॉपर्टी ऐसी आएगी, या तो चार्ज को अक्वायर करेगा या तो चार्ज को लूज करेगा। मतलब अपने सब्सटेंस से घिसने पे या तो इसने लूज किया ना, या तो कुछ एक्वायर कर लेगा। जैसे ये लूज किया तो जिस चीज़ पे आप घिस रहे हो उसने एक्वायर किया होगा, यही हुआ होगा ना, यही बात कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी हमने समझ लिया चार्ज। चार्ज दो टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है पॉजिटिव, एक हो सकती है निगेटिव। क्लियर? तो दो टाइप की चार्ज हो सकती है, लेकिन चार्ज या तो हो सकती है चार्ज स्टैटिक है, एक ही जगह है, जैसे चार्ज एक ही जगह हिलता नहीं है। एक होता है फ्लो में है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरे, जैसे बैटरी से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके बल्ब को जला रहा है, यही ना हो रहा है, बल्ब को जला रहा है। तो इसको क्या हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑन द मूव है, इसको हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन करेंट इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट चाहिए एक मूव करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को मूव कर, इलेक्ट्रॉन हॉलो में तो मूव नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़ी मूव होगा, नहीं ना होगा। तो अब स्टैटिक एंड करेंट में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो होता है बहुत रैंडम होता है, क्योंकि एक ही जगह पे पता नहीं कहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे हमें परफेक्ट पाथ पता है ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 फ्लो, ऐसे थोड़ी अगली बार ऐसे होने लगी, अगली बार ऐसे हो, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ पता है, डायरेक्शन पता है। अब दूसरा, इलेक्ट्रॉन का इसमें पाथ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें पता है इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, बहुत छोटा होगा, देख रहे हो बहुत छोटा, लेकिन इसमें बहुत लॉन्ग होगा। यूजफुल कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, लेकिन यहाँ पे पावर अप्लायंस के लिए ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे बल्ब लगाए हो, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तार के मदद से, क्लियर है ना। तो यहाँ पे पावर अप्लायंस में करेंट इलेक्ट्रिसिटी का मदद चाहिए, यानी जो घर पे हम यूज करते हो करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? कोई दिक्कत ना है। हाँ, अब देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप की हो सकती है, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव, एक को भी बोलते हैं निगेटिव। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी विथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, नीड टू काइंड ऑफ चार्ज होता है। या लो मान लो, या तो कोई सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस होगा उसके पास ऐसा पावर होगा कि वो दूसरे को खींच सकता है या दूसरे को रिपेल कर सकता है। लेकिन मान लो ऐसे बात करते हैं कि कोई चार्ज है, मान लो एक चार्ज है प्लस, कोई भी चार्ज, हमें पता नहीं कोई चार्ज है, लेकिन यहाँ दो सब्सटेंस, ये दोनों आपस में एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि कौन चार्ज है, लेकिन ये पता है कि दोनों सेम चार्ज होंगे, इतना पता है ना। लेकिन कोई सब्सटेंस जो हमें नहीं पता प्लस या निगेटिव, हमें नहीं पता प्लस या निगेटिव, लेकिन दोनों एक तरफ खींचा जा रहा है एक दूसरे के, हमें ये तो पता है भाई डिफरेंट चार्ज है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ये फिक्स पता है ना। तो यहाँ पे देखिए, टू डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव, दो काइंड ऑफ चार्ज है, क्योंकि आपको जरूरत है ना, आपको अट्रैक्शन चाहिए तो क्या होगा, दो दो डिफरेंट चार्ज रख लोगे, आपको रिपल्सन चाहिए होगा तो दो सेम चार्ज रख लोगे। क्लियर है ना। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि लाइक चार्जेज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पर बताया कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है और क्वांटाइज होता है, आपको पता है कि कितना चार्ज है, क्लियर ना। क्वांटिटी में आप बता सकते हो, हाँ इतना चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुआ है, ऐसे बता सकते हो। क्लियर? अब एक नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्या, अभी तक हमने क्या क्या समझा, अभी तक हमें सिंपल पता चला कि भाई सब्सटेंस में चार्ज होता है, और चार्ज बिना चार्ज के इलेक्ट्रिसिटी का मूवमेंट जरूर होगा ही नहीं, यानी चार्ज सबसे बेसिक एंटिटी है, बेसिक। तो चार्ज हमें पता चलेगा सबसे बेसिक एंटिटी, तो चार्ज हमें पता चलेगा पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी हो सकता है, क्लियर पता चल गया। और किसी भी सब्सटेंस में पॉजिटिव, किसी सब्सटेंस में निगेटिव, क्लियर इतना पता चल गया। हाँ, अब पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी, अब दो टर्म है, हमने दोनों को डिफाइन कर लिया, स्टैटिक एंड करंट के बीच दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, द लिस्ट ऑफ सच एन लिस्ट विल बी पॉजिटिवली चार्ज व्हेन रब्ड विद एनी मदर मटेरियल विल बी नेचुरली। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कि उस एग्जाम्पल को घिसते हो, जैसे उसको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल में कुछ मटीरियल है, उस मटेरियल को आप घिसते हो ना,
तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ध्यान देना, किसी मटेरियल को आप अगर घिसोगे तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा भाई? नेगेटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, यही बात बता रहे हैं कि अगर दो सब्सटेंस जिसको आप घिस रहे हो इस पे पॉजिटिव आए तो दूसरे पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, समझ रहे हो ना? हाँ, पहला फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरफेस डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी। सिंपल सिंपल, बहुत अच्छे से मैं एक एक बस आपको उदाहरण दे रहा हूँ। डेंसिटी का मतलब आप समझते हो कितना डेंस है, डेंस मतलब कितना ज्यादा है। सिंपल है, ये एरिया है, यहाँ पे इस एरिया पे चार्ज मान लो सिर्फ थोड़ा चार्ज है, मान लो यहाँ पे एक क्यू चार्ज है और यहाँ पे चार्ज है, सेम एरिया है, मान लो सेम एरिया, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्ज है 2Q। तो सरफेस डेंसिटी किसका ज़्यादा होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा एरिया तो दोनों का सेम है लेकिन इसका चार्ज कितना ज़्यादा है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है, टोटल चार्ज उस पर्टिकुलर एरिया पे जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा पता है? लेंथ इन टू ब्रेथ, नॉर्मल हमें पता है, क्लियर है ना? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया, क्लियर है ना? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। अब देखते हैं, हाँ, और क्या है? दूसरा कलर का पेन ले ले रहे हैं, नहीं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले मैं कुछ कुछ अब देखो देखो, चार्ज एट अ पॉइंट ऑफ ऑन एनी सरफेस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। ऑब्वियसली ये शेप है कंडक्टर का, यहाँ पे किसी पॉइंट पे कितना चार्ज होगा, कितना डेंसिटी होगा इसकी, कितना डेंसिटी वो डिपेंड करेगा ना इस एरिया पे, क्योंकि हमें पता है क्या है फॉर्मूला, चार्ज डिवाइडेड बाय इसका सरफेस एरिया, क्लियर है ना? अगर इसमें थोड़ा चार्ज रखोगे तो पूरे पे फैल जाएगा ना कंडक्टर पे, तो किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर पे, प्लस प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हाँ, अदर कंडक्टर वगैरह पे भी थोड़ा डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई और कंडक्टर इसे टच करा दिए तो हो सकता है इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, हो ना? अब देखो, यहाँ से एक चीज तो हमें पता चलता है, एक चीज तो पता चलता है, क्योंकि हम इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, इसके सरफेस एरिया की, क्लियर? तो यहाँ पे देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस रेडियस के, किसके रेडियस, उस एरिया के रेडियस के। अगर कोई एरिया ऐसा है तो इसके रेडियस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया भी तो वही हुआ ना, एरिया में भी तो हम यही करते हैं। अगर कोई ऐसा जगह है ऐसा, तो इसका रेडियस कितना होगा? आर। तो यानी कि जितना ज़्यादा रेडियस सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना कम। भाई जितना ज़्यादा रेडियस का मतलब उतना लार्ज एरिया, तो सरफेस डेंसिटी, डेंस का मतलब क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एरिया मतलब रेडियस लार्ज है, उसका मतलब डेंसिटी कम। तो इसका मतलब ध्यान से देखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, रेडियस के। तो कोई बॉडी यहाँ पे चार्ज है तो इसकी डेंसिटी तो इसकी इसका एरिया तो इसका रेडियस तो बिल्कुल कम होगा। कोई ऐसे है तो इसका रेडियस का ये वाला सर्किल हुआ, लेकिन ऊपर वाले का तो सर्किल ये छोटा सा हुआ, तो इसका रेडियस भी ऑलमोस्ट जीरो हुआ ना, ऑलमोस्ट जीरो हुआ रेडियस, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ऑलमोस्ट इन्फिनिटिव होगा। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि मैक्सिमम एट पॉइंटेड पार्ट, क्योंकि हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, इसीलिए रेडियस जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम, रेडियस सबसे ज़्यादा कम वहाँ पे सबसे ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी। लोएस्ट कहाँ पे होगा भाई? जहाँ ज़्यादा रेडियस होगा वहाँ पे लोएस्ट होगा, ऑब्वियसली, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्लियर? यही दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब कहाँ है? जहाँ से इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज आराम से पास हो जाएंगी किसी भी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कोई भी मटेरियल, मतलब जितना भी मेटल होता है ना वो कंडक्टर होता है। कोई कोई नॉन मेटल भी कंडक्टर हो सकता है, जैसे लेड की बात हम ग्रेफाइट की बात करते हैं जो हमारे पेंसिल में होता है। और जहाँ पे जहाँ जो कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब कहाँ, वहाँ इलेक्ट्रॉन आराम से पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आराम से पास हो रहा है, इतना तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली है, लूजली बाउंडेड है। भाई लूजली बाउंडेड है तभी नहीं एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, और हम बोल देते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो
हो रही है। सिल्वर वेस्ट कंडक्टर है, और अर्थ भी अगर मॉइस्ट पार्ट में होगा ना, मॉइस्ट पार्ट वाला अर्थ, तो उसको गुड कंडक्टर बोलते हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा सकती है, कि अगर आप ऐसे जगह पे हो, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे आ गई, तो आप यहाँ पे जल्दी मत आओ। यहाँ पे अगर मॉइस्ट पार्ट है अर्थ का, तो यहाँ से ही भागो, क्योंकि यहाँ से भी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। क्लियर है ना? एग्जाम्पल दे देते हैं गुड इलेक्ट्रिसिटी का, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, लेकिन रबर, ग्लास, ये सब नहीं होता है, सब इंसुलेटर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से जल्दी जल्दी पास हो जाती है। इंसुलेटर जो होती है अलाउ नहीं करती इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे वुड, पेपर, माइका वगैरह। क्लियर? अब कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ बहुत आसान है, लेकिन समझना जरूरी है। कूलम्स लॉ सिर्फ बताता है कि दो चार्ज, हाँ दो चार्ज, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला अप्लीकेबल कब होता है? जब दो चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव हो, चार्ज का जो हम फॉर्मूला, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और यहाँ पे क्यू टू चार्ज है। हमें पता नहीं है कौन चार्ज है, क्यू वन पॉजिटिव है, क्यू टू नेगेटिव, कुछ भी हो, लेकिन कोलम्स बोलती है कि इन ये दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स चाहे खींचने वाला करेंगे, या फोर्स एक दूसरे के दूर भेजने वाला करेंगे। भाई मान लो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, लेकिन जा मान लो दोनों सेम चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे ना, धक्का देंगे ना। तो सिंपल कोलम्स बोलता है, कोलम्स क्या बताता है, गिव्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्ज। दो पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोई सरफेस एरिया वाला ले लें, नहीं। दो पॉइंट, अगर मान लो एक एरिया लेते हैं, इस एरिया पे बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो इस एरिया पे बहुत सारे चार्जेस हैं, एक है यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, तो जो कूलम्स होगा सिर्फ दो पॉइंट चार्जेस के लिए करेगा। या तो Q1 Q3 के साथ कीजिए, Q1 Q2 के साथ कीजिए, Q2 Q4 के साथ कीजिए, Q3 Q4 को देखिए, लेकिन किसी ए दो को देखिए, Q3 Q4 के साथ देखते हैं। क्लियर? या Q1 Q2 के साथ देखते हैं। तो इनका फॉर्मूला है, सिंपल है, कूलम्स लॉ बोलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। क्लियर? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि यहाँ पे साइन पॉजिटिव निगेटिव लेना, भाई जो निगेटिव चार्ज होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव लोगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या बोल रहा है कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस स्क्वायर के। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पे आर रेडियस नहीं मान सकते, आर यहाँ पे पता है एक्चुअली क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस। क्लियर है ना? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज, जो चार्जेज है ना इसके रेडियस से लेके यहाँ से यहाँ, लेकिन चार्ज इतना छोटा साइज का होता है ना, सिंपल ये मान लो कि यहाँ से और इस चार्ज के यहाँ तक। क्लियर है ना? तो इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम जब ऐसे करते हैं, इन दोनों को साथ कंबाइन कर देते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई एक कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट क्या है, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। Q1 का वैल्यू क्या है, K का वैल्यू हमने क्या लिखा है, 9.0 × 10⁻⁹। 9.0 × 10⁻⁹, आप इसको याद कर लो। यूनिट तो मैं आपको बता दूँ कैसे होता है। क्लियर? यूनिट तो सिंपल देखो, क्योंकि यूनिट है किसका, K का। तो देखो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखो ये इधर जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K होगा कि नहीं। तो इसका तो एफ का क्या है, न्यूटन, आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 है सी का है, तो सी स्क्वायर। हम क्योंकि चार्ज को किसे मापते हैं, बताया तो भाई यहाँ पे पहले पेज में, चार्ज को किसे से मापते हैं, कूलम्स को। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं है इसमें, फॉर्मूला बहुत आसान है भाई। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का इतना सिंपल मतलब देखिए, जहां तक इस चार्ज की औकात है अपना छाप छोड़ने की, बस इतना समझेंगे। मान लो आपका, मान लो ए आप हो, तो आप बोलते भाई 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी से भी मेरा नाम पूछ लो, कोई भी बता देगा। चार्ज तो चार्ज ऐसे चुप रहेगा, चार्ज भी बोलेगा भाई 2 किलोमीटर के रेडियस में मेरा नाम चलता है,
मतलब 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई दूसरा चार्ज आता है ना, तो मेरे कारण इफेक्ट जरूर होता है। अगर इसके कारण कोई निगेटिव चार्ज आएगा तो इसको ही खींचेगा, कोई इसके कारण इसके एरिया में कोई पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको धक्का मारेगा। नॉर्मल बात है, आप ही की तरह चार्ज है, आप ही की दुनिया का है ना, तो आप ही की बोल बोलेगा ना, नॉर्मल बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत लंबा है लेकिन हमें उतना समझना नहीं होता है, क्योंकि क्लास 12th में मतलब ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर बोला जाता है क्लास 12th का, क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, लेकिन हमें उतना जानना नहीं है ना, तो हम जितना जानने हमें इतना ही काफ़ी है। तो अब देखो, बस हमें थोड़ा बहुत फार्मूला, फार्मूला के यूनिट, बस एग्जाम में हमारा काम बन जाएगा ना, जैसे ये हमें करना ही नहीं है, क्लियर। ये तो मैं पिक जहाँ से लिया है ये वाला लेना था, ये साथ साथ आ गया, मैं छोड़ के क्यों क्रॉप करते रहने देते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझिए एरिया ऑफ वर्चस्व, बस इतना समझिए। जैसे आप ही हो तो इस एरिया में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो भाई इसको, ये चार्ज उसको छोड़ेगा नहीं, ये चार्ज उसको धक्का देगा या तो अपनी तरफ खींचेगा, नॉर्मल बात है, क्लियर। तो रीजन ऑफ, हाँ समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का क्या यूनिट होता है, न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसको आप एक और पार्ट में लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। आप एक एक ये भी याद रखिए, वोल्ट पर मीटर, क्लियर, वोल्ट पर मीटर। सिंपल है, ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, क्लियर। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल पॉइंट है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट टाइम। सिंपल बात करते हो भाई, ये मेरा एरिया है, मैं हूँ सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई बात कोई लोग आया, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसको ये वाला जो बंदा नया आया है वो मेरा वर्चस्व, वो मेरा प्रभाव जो देखेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल सिंपल क्या बोले, जो पहले से बंदा है जो बोलता है कि भाई इस एरिया में मेरा वर्चस्व है, इस एरिया में मेरा वर्चस्व है, इस एरिया में जो भी आएगा वो फील क्या करेगा, मेरा प्रभाव, वो मेरा फोर्स प्रोवाइड प्रभाव करेगा, और मेरा फोर्स जितना उस बंदे पे लगेगा उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस बस बस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये तो हम डिस्कस कर ही लिए थे, हाँ, फोर्स दैट वुड बी एक्सपीरियंस यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, क्लियर। क्लियर। ओ एक्चुअली एक्चुअली ये वाला जो है ना इलेक्ट्रिक, इसका ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, क्लियर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक एरिया है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट तब होगा ना जब वो किसी पे लगेगा, ये प्रभाव किसी पे लगता है उसकी बात बात कर रहा हूँ, क्लियर, उस समय मैं बताना भूल गया था, क्लियर। फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स लगता है उस चार्ज पे, क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उस हॉलो कंडक्टर पे क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लो तो इस दीवार पे होती है ना, यहाँ पे कहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लो, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड अ कनेक्ट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो किसी बंदे पे, किसी इलेक्ट्रिक पे चार्ज जो लगता है ना इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नॉर्मल बात है, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड अ हॉलो कंडक्टर ऑब्वियसली 0 होगा भाई, यहाँ पे कोई बंदा है कहाँ से, आपका प्रभाव इस दीवार पे है, आपका प्रभाव मान लो इस दीवार पे है, कोई बंदा यहाँ पे आए काहे का प्रभाव आपका, खत्म, आपका आपके कंस्टिट्यूएंसी में है ही नहीं ना, क्लियर। तो चार्ज गिवन टू सच ए कंडक्टर रिमेन्स ऑन इट सरफेस ओनली, सिर्फ सरफेस पे भाई, तो हॉलो कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की तरह काम करेगा। इसीलिए भाई एक ये वाला जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, दूसरा दीवार भी आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवानी है तो बीच से एक रास्ता छोड़ो, अगर चाहते हो भाई ये इस पे इंटरफेरेंस ना करे तो,
एक तार यहाँ पे है, एक तार यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी। जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक तो कुछ फायदा नहीं, जोड़ोगे नहीं तो यहाँ से कोई आ जाकर पास कर सकता है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो बस लाइटनिंग आती है कहीं पे, तो आप बस के बीच में आप बैठे हो, बस में बैठे हो तो आप सेफर हो, क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि वो एज ए स्पेस है ना, तो वो एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह काम करेगा। शील्ड, शील्ड का मतलब दीवार। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लो कोई एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, कोई एक चार्ज है इन्फिनिटी पे, मान लो बी चार्ज है वो किसी जगह पे, वो हमारे पास है, हमारे पास। जैसे मान लो ए है हम, कोई बंदा है इन्फिनिटी पे, उसको उसको लाना है, मान लो उसको हम अपने पास लाना, खींचना है उसको। कुछ ना कुछ तो आप काम करोगे ना, कुछ तो कुछ कुछ ना कुछ तो वर्क लगाओगे ना, कुछ ना कुछ तो काम करोगे। तो वर्क डन, आप जितना काम करोगे पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू डेट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि आप यहाँ लाओगे तो आपको आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग रहा है ना इसके अगेंस्ट में। आप जिसको ला खींच रहे हो, यानी मान लो इसको खींच रहे हो, तो बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा धक्का लग रहा है, लगेगा ना। ऐसा थोड़ी कि सीधा आता चले जाएगा, नहीं, आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर ना? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब देखते हैं कि आप में वो पोटेंशियल है, आप में वो पोटेंशियल है कि किसी एक बंदे को आप खींच ले तो इन्फिनिटी से अपने पास। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सिंपल ध्यान देंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर? तो बी के द्वारा ध्यान देना, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए, लेकिन वर्क डन बाय ब्रिंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी। देखते हैं बी की औकात, देखते हैं ए की औकात। अब देखो, अब ए के पास आ गया, देखो इन्फिनिटी से ए ने बुला लिया है, अब ए से बी के पास जाना है। तो सिंपल ये है कि वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है ना? सिंपल, ए से बी के बीच जाना है तो हम सिंपल बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर? ए एंड बी के पास तभी जाएगा ना जब बी के पास ज़्यादा ताकत रहेगा। बी ए वाला किसके पास आएगा? अगर मान लो बी ए के पास है, इसका मतलब इसकी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, वो अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा। क्लियर? लेकिन बाद में ए और बी आ तो जाएगा साथ में ना, तो हम यही बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, कि ए का पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है 30 वोल्ट, तो ए के तरफ बी अपने आप आ जाएगा। क्लियर है ना? इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ना? अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो नहीं खींच पाएगा ना भाई, दोनों अपने जगह जगह पर रहेगा। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटी सिंपल देखो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिफाइन, ये पीछे देख रहे हो कि इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट दोनों स्केलर क्वांटिटी है और SI यूनिट वोल्ट है, वोल्ट। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हो क्या है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ध्यान देना, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर डिफाइंड द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाई यूनिटी। सिंपल बात है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मतलब क्या है भाई? अभी तक ये चार्ज, ये कैपेसिटी पे जो चार्ज, इस पे जो चार्ज था वो दूसरे बंदे को खींच नहीं पा रहा था, तो आप इसको, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है ना, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है ताकि वो खींच सके। तो कितना चार्ज और चाहिए भाई आपको? कितना चार्ज? Q1 चार्ज करा बेचारा, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे और चार्ज चाहिए, मुझे Q1 और चाहिए, मुझे Q1 और चाहिए। भाई मेरे से अकेले खींचा नहीं जा रहा है, कुछ और मिल जाएगा ना तो हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तब आराम से उसको खींच लेंगे। क्वेश्चन वही पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होता है किसी कंडक्टर का, कि कितना चार्ज चाहिए ताकि उसकी पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए। किसकी? कंडक्टर की। कंडक्टर पे जो चार्ज है बेचारा कमजोर है, ये पॉजिटिव चार्ज को खींच नहीं पा रहा है। क्लियर है ना? तो इस बोले भाई कुछ और चार्ज हो देना, तो अब चलो -2Q हो जाए, नहीं हो रहा है -3Q हो जाए, और दे -4Q, अब ये खींच पाएगा। तो यही तो बोलते हैं
तो यही यही तो बोलते हैं कि कितना खींच दे कि इसकी मतलब इलेक्ट्रिक इसकी पोटेंशियल डिफरेंट इन एनर्जी इंक्रीज हो जाए, क्लियर ना। तो इफ़ द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज बाई वी वेन चार्ज क्यू इज गिवन टू इट, सिंपल यही बता रहा है कि अगर चार्ज वी दे दे आपको तो आपकी पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगी, कितने से, वी से इंक्रीज हो जाएगी। तो कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो इसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट फैराड है, फैराडे है, क्लियर। तो ऐसा यूनिट आपको पता हो गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का, फैराड, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, फैराड बोलते हैं, और क्यू अपॉन वी, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। देखो इससे डिटेल में मुझे नहीं लगता जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं जितना आज तक क्वेश्चन देखा हूँ इसे डिटेल में नहीं, मैं जा सकता हूँ क्योंकि मैं भी मतलब 12th किया हूँ साइंस से ही, तो मैं जा सकता हूँ और मुझे मज़ा भी आता है फिजिक्स में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे डिटेल में जाना मतलब कोई वर्थ रहेगा, क्लियर ना। अब बताओ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ध्यान देना, सिंपल है, क्या करता है, सिंपल है, नाम से पता चला, क्या करेगा भाई, यहां से यहां कन्वर्ट कर दो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। भाई आपके पास बैटरी है, केमिकल एनर्जी है, उससे आप अपना बल्ब जला दो, हो गया ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करती है फ्रॉम केमिकल रिएक्शन अकरिंग, केमिकल रिएक्शन जो उसके अंदर हो रहा है उसके कारण वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करती है, क्लियर है ना। और फिर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का आप कहीं भी यूज कर सकते हो। दिस डिवाइस आर कैपेबल टू कन्वर्ट, कैपेबल टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा, क्लियर। और कॉमन एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे टीवी रिमोट वगैरह आप कई यूज करते हो, उसमें जो बैटरी होती है वही तो काम करती है ना भाई। अब देखो दो टाइप की सेल होती है, एक प्राइमरी भाई यूज एंड थ्रो वाली जो हमारे हाँ रिमोट के बैटरी में ही होती है, लेकिन मोबाइल की बैटरी कैसी है, यूज एंड थ्रो वाली नहीं भाई, उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं, आप उसको बहुत बार चार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल क्या है, रिचार्जेबल बैटरी, जैसे जो आपके मोबाइल फोन में होता है, क्लियर, वो होते हैं। तो चलिए और डिस्कस कर लेते हैं, द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन दिस सेल आर रिवर्सिबल इन नेचर, इरिवर्सिबल इन नेचर, मतलब एक बार रिएक्शन हो गया, आपने यूज कर लिया, उसका दोबारा रिएक्शन नहीं होगा, कि दोबारा रिएक्शन होगा भाई फिर से चार्ज होगा, नहीं नहीं होगा। द रिएक्टेंट आर कंज्यूम फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट वंस द रिएक्टेंट आर कम्प्लीटली, हाँ भाई जो रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि बार बार रिएक्शन नहीं हो रहा, एक बार रिएक्शन हो गया, मान लो एक बार रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बन गया, अब इस प्रोडक्ट का आपने पूरा यूज कर लिया, इरिवर्जिबल का मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट यूज कर लिया, फिर इधर से इधर हो रहा है, रिवर्जिबल हो रहा है, फिर यहाँ पर रिएक्टेंट आ रहा है, फिर से रिएक्शन हो रहा है, फिर से ऐसे हो रहा है, लेकिन इरिवर्जिबल में क्या होता है कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया ना, आप इसको यूज करते रहो, कर लो, जैसे खत्म होगा दोबारा रिएक्टेंट के पास कुछ बचा ही नहीं, दोबारा रिएक्शन ही नहीं होगा, खत्म होगा, बैटरी फेंको, दूसरा बैटरी लगाओ, क्लियर। सेकेंडरी सेल क्या होता है, रिचार्जेबल होता है और रिवर्जेबल रिएक्शन होते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो सेल कैन फंक्शन एज ए गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो सेल गैल्वेनिक सेल की तरह फंक्शन कर सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह कर सकता है। बहुत सारी प्राइमरी बैटरी होती है ना, वो सीरीज में होती है, मल्टीपल सेल कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, और लेकिन ये प्रॉब्लम देखो ये सब सीरीज पैरेलल आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जितनी प्राइमरी सेल होती है ना बहुत इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचती है, क्योंकि आप फेंक देते हो ना, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया कि उस बैटरी के प्रोसेस में 50 टाइम ज़्यादा एनर्जी लगता है जितना एनर्जी वो हमें देते हैं, बैटरी जितनी हमें एनर्जी देती है ना उससे 50 गुना ज़्यादा एनर्जी लगता है उसे बनाने में, इससे उससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक वेस्ट आता है, क्लियर। तो कुछ प्राइमरी सेल के एग्जांपल हैं, प्राइमरी सेल देखो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन पहली बार डिस्कवर किया गया था एलेक्जेंड्रो डी वोल्टाइक सेल उन्हीं के नाम पे 1794 में। तो ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बाय केमिकल रिएक्शन, ध्यान देना, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पहली बार थोड़ा बहुत बात किसने की थी, एलेक्जेंडर डी वोल्टा ने। तो इन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हम आराम से प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू केमिकल रिएक्शन, क्लियर ना। तो देखो एग्जाम्पल देखो,
बहुत सारे सेल हैं। एक इसमें आपको याद क्या क्या करना है, एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, और बीच में क्या है, बस 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 ये सिंपल सेल में क्या होता है। एनोड, एनोड का मतलब सिंपल समझे, एनायन, एनायन का मतलब होता है निगेटिव चार्ज, और कैथोड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तब निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो यानी यहाँ से ये फ्लो करना है, यहाँ से थोड़ी हुआ, यहाँ से ये फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन यानी निगेटिव चार्ज, तो इसी का तो फ्लो होगा ना, ऐसे फ्लो करेगा। तो क्वेश्चन होता है कि इस पानी में होता है क्या भाई, डाइल्यूट हम सल्फ्यूरिक एसिड को ले लेते हैं। क्लियर? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, डिजॉल्व होगा और इस पे चिपकता जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिजॉल्व होगा इससे चिपकता जाएगा, यही है। ड्राई सेल में क्या होता है, ड्राई सेल में मेटल कैप वगैरह होता है, आउटर जैकेट होता है, कार्बन की रड होती है ये ध्यान रखना, और जिंक का कंटेनर होता है ये ध्यान रखना। क्लियर? और मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, ये सब केमिकल इसमें रखे होते हैं, और इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। क्लियर? ये याद रखना। डेनियल सेल में क्या होता है, एनायन पे, एनोड पे कौन सा होता है, जिंक, देख ध्यान देना, यहाँ पे भी एनोड पे जिंक है, यहाँ पे भी एनोड पे जिंक है, याद रखना। क्लियर है ना? लेकिन लेबलांच लेक लांचे सेल में जो एनोड पे कुछ कुछ और होता है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे एनोड पे जिंक है, यहाँ पे एनोड कॉपर है, तो दोनों डेनियल और सिंपल सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ सॉल्ट ब्रिज होता है। क्लियर है ना? सॉल्ट ब्रिज होता है, बस ये ध्यान रखें। क्लियर? यहाँ पे वोल्ट मीटर हम लगाते हैं, वोल्ट मीटर सब के बारे में नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? अब यहाँ देखो लैक्लांचे सेल क्या होता है, लैक्लांचे सेल में क्या होता है, कार्बन एनोड पे होता है, जिंक कैथोड पे होता है, उल्टा देख रहा हूँ ना कि यहाँ पे जिंक कैथोड पे था, लेकिन यहाँ पे जिंक यहाँ पे एनोड पे था, लेकिन यहाँ पे जिंक कैथोड पे है, तो यार लैक्लांचे सेल डेनियल सेल में एक डिफरेंस देखें, और यहाँ पे कार्बन के में क्या होता है, एनोड पे कार्बन की रॉड होती है, तो यानी यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर? और एक और चीज़, लैक्लांचे सेल का EMF होता है 1.5 वोल्ट। क्लियर है ना? 1.5 वोल्ट ध्यान रखना। और एक और चीज़, ये लैक्लांचे सेल वहाँ यूज किया जाता है ना जहाँ पे कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रिक वेल नहीं होता है तो उसमें कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थोड़ी होती है, इसीलिए वहाँ पे लैक्लांचे सेल का यूज किया जाता है। और यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन होता है, अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन होता है। क्लियर? और यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड ये सब का पीस होता है, पाउडर होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग का टाइम देने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर, और फिर आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा एग्जाम का, और कुछ भी हो डाउट मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा, आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो तो कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट।